खालिद भाई बिली मारने वाले हैं 1000 RR से भाई, दिखा दो क्या? सच में दिखा दो। बट अभी हम लोग चलते हैं बिली वगैरह प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अब आने वाले हैं डेली ब्लॉग ट्राई टू बिली। चलो छोटी सी तो उठाई खालिद भाई ने। अरे अरे भाई 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 भाई, संभल के संभल के संभल के, लगी तो नहीं। कुछ ऐसा है, आज हम लोग निकल गए हैं राइड के लिए, बट मैं अकेला नहीं हूँ आज। सच बताऊँ तो एक्चुअल में पिछली एक राइड मेरी अकेले थी एंड ज़्यादा दिन से हमारे ब्लॉग आ नहीं रहे, जस्ट बिकॉज हमारे साथ हमारा मेन बंदा नहीं था, हमारे खालिद भाई नहीं थे, बट अभी आ चुके हैं भाई। इनके आने की खुशी में करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज फराज, दैट्स खालिद ब्रदर एंड वेलकम बैक टू द FT फ्लेम्स। तो भाई ऑडियंस बताएगी इनके साथ क्या करना चाहिए भाई, मारना चाहिए, जो करना वो कर सकते हो भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आज जा रहे हैं भाई, आज हम जा रहे हैं बिली प्रैक्टिस पे भाई। तो भाई देख रहे हो आते ही बंदे को जोश चढ़ गया। प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, खैर वो तो परफेक्ट करेंगे, मैं हो सकता है प्रैक्टिस करूं भाई। मेरी भी प्रैक्टिस है अभी, मुझे भी इतनी अच्छे से नहीं आती, जैसा कि आप लोग देखते हो छोटी छोटी मार लेते हैं बिली। बट अभी हम लोग चलते हैं बिली वगैरह प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अब आने वाले हैं डेली ब्लॉग एंड क्रेजी हाइपर राइडिंग एंड बिली वगैरह। सोचो अब होगा थोड़ा धमाका होने वाला है। एंड हम लोग निकले किस टाइम है भाई, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। 6 बज गए होंगे, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं ना। गर्मी ज्यादा यार, गर्मी बहुत है एंड राइडिंग जैकेट, लेकिन बिली मार रहे हैं तो फ्रेंड सेफ्टी फर्स्ट, राइडिंग प्रोटेक्शन आपके पास, देख रहे हो सारे गियर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, तभी प्रैक्टिस करो एंड सर्विस रोड पे करो। तो अभी चलते हैं हम लोग खाली रोड पे, बाकी बातें करेंगे हेलमेट पे। तो हो चुकी है अपनी इवनिंग राइड स्टार्ट, आज ना मॉर्निंग राइड है ना नाइट राइड है, आज है इवनिंग राइड। तो खालिद भाई मतलब इतने टाइम से राइड नहीं करी है ना, तो एक्साइटेड हो गए, भगाते हुए जा रहे हैं। तो हम दोनों भाई आ गए इधर विली प्रैक्टिस करने के लिए एंड चलते हैं पहले सर्विस रोड पे, बिकॉज पब्लिक रोड पे विली ट्राई करना इट इज़ वेरी रिस्की। तो फ्रेंड आप लोगों को भी ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, विली सीख रहे हो अच्छी बात है, सीखो विली, हर किसी को आनी चाहिए जिसको इंटरेस्ट है। तो सर्विस रोड पे जाके ट्राई करो, आपके ऐसा तो है नहीं आपके घर वर के आसपास में कोई खाली रोड नहीं मिलेगा, 100% होगा, तो वहाँ जाके आप विली ट्राई कर सकते हो। जैसा कि अपन हम इतनी दूर जा रहे हैं अपने घर से कम 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं हम लोग खाली रोड पे, वहाँ जाके आराम से 1-2 घंटा विली प्रैक्टिस करेंगे। मुझे थोड़ी थोड़ी आती है बट खालिद भाई को थोड़ी सी पॉप करना सिखाएंगे। एंड विली करने से पहले फ्रेंड एक आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपके पास ग्लव्स होने चाहिए एंड नी गार्ड होने चाहिए एंड आपके पास राइडिंग जैकेट एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पास हेलमेट तो होना ही चाहिए एंड बाइक के सेफ्टी के लिए क्रैश गार्ड वगैरह, वो बाइक की सेफ्टी के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो मतलब सेफ्टी गार्ड मत लगाओ, जैसे हमने नहीं लगा रखे भाई, पैसा नहीं है लेकिन तब भी नहीं लगा रखे, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं। तो करते हैं थोड़ी सी हाइपर राइड, खालिद भाई बड़ी स्लो स्लो गाड़ी चला रहे हैं। तो ये रहे हमारे डुकाटी वाले भाई, इतनी स्लो चलाओगे बेइज्जती करा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो इस गाड़ी की। मैं कह रहा हूँ भाई बेइज्जती करा रहे हो इस गाड़ी की, इतनी स्लो चलाओगे भाई। आ गया गुस्सा, आ गया आ गया आ गया आ गया गुस्सा भाई भाई, अब तो नजर भी नहीं आ रहे। ओहो खालिद भाई को जज्बाती बना दिया अपन ने। तो सीन कुछ ऐसा है, राइड करो सेफ्टी के साथ करो, बट राइड को करो एंजॉय। एंड रोड थोड़ा टूटा फूटा है इसलिए स्लो स्लो चलाते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं वहां जाके करेंगे विली की प्रैक्टिस, खालिद भाई को सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे एंड फ्रेंड आप लोगों को भी कुछ सिखा देंगे अगर खुद अच्छे से कर पाए तो। यकीन मानो अगर किसी को विली सीखनी, अगर मैंने सीख ली तो आपको 100% सिखा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को कर देना लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन ज़रूर कर देना फ्रेंड, बिकॉज अपडेट मिलती रहेगी आगे को जो वीडियो डालेंगे। बट चेक पोस्ट, बट पुलिस वाले नहीं है यार, देखो पुलिस वाले ना राइडर को देख के स्पेशली थोड़ा थोड़ा परेशान ज़रूर ही करते हैं, ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं, बट उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे लेकिन तब भी रोक लेते हैं, सोचते हैं तुमने ये आफ्टर मार्केट लगा रखा, चारों इंडिकेटर क्यों जल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है वो उलझा देते हैं। बट मेरे को काफ़ी बार रोका लेकिन अपन निकल जाते हैं, रुकते नहीं है, कभी रुक जाते हैं लेकिन हम रूल नहीं तोड़ते, ये वीडियो हमारे पास बनती रहती है, आप लोग देखते रहते हो, तो रूल्स हम लोग ब्रेक नहीं करते, ब्रोकन नहीं करते। बट मौसम बड़ा धांसू सा हो रहा है, बट यार धुएं धुएं से निकल रहे हैं, आग वाग लग रही होगी।
जिस रोड पे अपन जाना था उसी रोड पे अपन आ चुके हैं। देख रहे हो पूरा खाली रोड रहता है फ्रेंड ये। हम लोग यहाँ पर विली प्रैक्टिस, टॉपी प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो दूर तक खाली खाली खाली, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो खालिद भाई विली मारने वाले हैं 1000 RR से। भाई दिखा दो क्या? सच में दिखा दो। तो ये रे भाई क्या 1000 RR। तो भाई कम से कम इससे तो मार दो यार। तो इधर बच्चा पार्टी आ गए थे, हम लोग विली प्रैक्टिस करने आए थे। तो इस भाई की साइकिल है भाई, बस करो, कहाँ ले जाके मानोगे। ट्राई टू विली। चलो छोटी सी तो उठाई खालिद भाई ने। तो भाई विली प्रैक्टिस करते करते जैसा कि आप लोगों ने देखा अंधेरा हो चुका है, मौसम ढल चुका है एंड खालिद भाई अभी पॉप करने में लगे हैं क्योंकि भाई का फर्स्ट टाइम है। भाई थोड़ा हार्ड है। भाई हार्ड है क्या? नहीं लगता है ना, दूसरे को देख के लगता है बहुत इजी है। सच में मैं भी जब देखता था लगता था इजी है, बट बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशली इस बाइक को उठाना डिफिकल्ट है अगर कोई बंदा सीख रहा है तो। इसे सीखते टाइम उठाना इजी है बिकॉज इसका वेट जो है थोड़ा कम है, बट इसका वेट इससे ज़्यादा है, लगभग 20 किलो का फर्क है। तो आप कुछ कहेंगे भाई, सीख जाओगे लगभग कितने दिन में? भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी सीख जाएंगे जल्दी जल्दी। कह नहीं सकते, अब मुझे भी अभी इतने अच्छे से नहीं आई है फ्रेंड, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। बाकी लगे पड़े हैं, अभी थोड़ी देर और प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। तो भाई दिक्कत हो गई है, अभी एक अंकल जी का सामान वगैरह गिर गया तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी है रोड के साइड में। तो अभी देखते हैं, निकलवा दो यार, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, उठवा सीधी करवा दूं तुम, ये पकड़ लो बाइक, सीधी करके निकाल लो ना तो नुकसान हो गया अच्छे खासा। अच्छा बोल रहा हूँ अच्छे खासा, कोई बात नहीं। चलो लगी तो नहीं आपके? ना हल्की फुल्की लगी, चलो मट्टी है, वेट इतना ज्यादा बाइक में, देखो सामान यहाँ रखा। आप निकलो, गाड़ी नहीं उठेगी, बहुत वेट है मट्टी का। निकलो आप, निकलो बस, ये खोलो अंकल का, क्योंकि बाइक मट्टी में वेट इतना ज़्यादा है। लगी तो नहीं आपके? लगी तो नहीं, चलो ये भी निकालो, इधर करो करोगी। चाबी उठाइए क्या मेरी? हाँ इधर रखी है मैंने, मेरी वाली। हाँ दोनों, और ठीक है आराम से रख लेना, कोई और जरूरत तो नहीं है? ना ना बस पड़ा है। ओके जी, तो चलते हैं अभी, जितना हो सका था जितना हो सका हमने हेल्प करी। बाकी भाई गर्मी पसीने आ गए भाई, मट्टी का वजन उसमें इतना ज्यादा था, अच्छा वो उनके लगी नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ उनकी पसली उसली टूट जाए।